हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू डाइट कुंडली। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ इंडियन डाइट प्लान फॉर वेट लॉस। ये 1200 कैलोरीज का डाइट प्लान है और ये डे 8 का डाइट प्लान है। मैंने ऑलरेडी आप सभी के साथ डे 1 से लेकर डे 7 तक के डाइट प्लान्स की वीडियो शेयर की हुई है। इन वीडियोज़ के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज़ चेक। अगर आप इन डाइट प्लान्स को प्रॉपरली फॉलो करते हैं और साथ में अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज भी करते हैं तो आप 1 मंथ में 10 kg तक का वेट रिड्यूस कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के इस डाइट प्लान में सुबह से लेकर शाम तक में क्या खाना है और कितनी मात्रा में खाना है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अर्ली मॉर्निंग की, यानी 6 से लेकर 6:30 बजे के टाइम पर हम ले सकते हैं 1 चम्मच का ओवरनाइट सोक्ड मेथी का दाना। इसके करीब 30 मिनट के बाद डिटॉक्स जूस लेना है। बहुत ही हेल्दी है ये डिटॉक्स जूस, फुल ऑफ विटामिन्स और मिनरल्स से भरा हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। इस डिटॉक्स जूस को बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 छोटा सा टमाटर, साथ में मैंने यहाँ पर 1 मीडियम साइज का कैरेट लिया हुआ है और आधा मैं यहाँ पर बीट रूट ले रही हूँ और यहाँ पर देख रहे हैं तो थोड़ा सा मैंने जिंजर भी लिया हुआ है। इन सारी सब्जियों को अच्छे से वॉश करके पील कर लेना है और छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। और अभी मैं इसे मेरे जो मिक्सर जार है इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। ऊपर से इसमें हमें थोड़ा पानी ऐड करना है और इसे ग्राइंड कर लेना है। ये काफ़ी पेस्ट सा हो गया है सो इसमें मैंने 1 ग्लास के आसपास का पानी ऐड किया है। अच्छे से मिक्स करके इसे हमें छान लेना है। अगर आप इस पूरे पल्प के साथ इस जूस को लेते हैं तो बहुत बढ़िया है क्योंकि इसमें ही सबसे ज़्यादा फाइबर है, लेकिन अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो इसे छान लीजिए और आप इसका जो आधा पल्प है फिर से आप इसे ग्लास में ऐड करके जूस ऐड कर लीजिए और ऊपर से आप इसमें नींबू निचोड़ लीजिएगा। और जो बचा हुआ पल्प है उसमें आप थोड़ा सा नमक ऐड करके एज अ फॉर्म ऑफ अ चटनी के फॉर्म में भी आप उसे ले सकते हैं। सिंगल ग्लास इस डिटॉक्स जूस में हमें 39 कैलोरीज मिलती हैं, प्रोटीन 1.63 ग्राम है, फाइबर 2.5 ग्राम और कार्बोहाइड्रेट 3 ग्राम्स मिल रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। तो ब्रेकफास्ट 8 से लेकर 8:30 बजे के बीच में हो जाना चाहिए और ब्रेकफास्ट में हम ले सकते हैं दलिया उपमा। हाई फाइबर हाई प्रोटीन रेसिपी है ये, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे 1 छोटा सा प्याज ले रही हूँ, इसका वजन 30 ग्राम है। यहाँ देख रहे हैं तो ये है कॉलीफ्लावर, ये 50 ग्राम का है। कैप्सिकम जो है ये हमें केवल आधा लेना है यानी 15 ग्राम का, और कैरेट जो है ये 20 ग्राम का है। इन सारी सब्जियों को अच्छे से वॉश करके हमें छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है और जो कॉलीफ्लावर है इसे करीब 5 से लेकर 8 मिनट तक हमें गर्म पानी में रखना है। और इसके साथ में अभी मैं यहाँ पे ले रही हूँ दलिया। सो ये जो दलिया का वज़न है ये 45 ग्राम्स है, स्पून में बताऊँ तो करीब 4.5 चम्मच के आसपास रहेगा। इसे हमें अच्छे से वॉश कर लेना है। पैन यहाँ पर गर्म हो गया है और इसमें मैंने 1 चम्मच का घी ऐड किया है, थोड़ा सा राई ऐड किया है और अभी मैं इसमें 1 चम्मच का उड़द दाल और चना दाल ऐड की हूँ। ऊपर से थोड़ा सा जीरा ऐड करना है और ये है शेंगदाना या फिर पीनट ग्राउंड नट्स, ये करीब 10 ग्राम का ऐड किया है और इसे हमें इसमें अच्छे से फ्राई करना है। इसमें जो मैंने उड़द दाल चना दाल और जो पीनट्स का यूज़ किया है ये बेसिकली इस रेसिपी में प्रोटीन के कंटेंट को बढ़ाएगा। सो अगर आप इसे स्किप करते हैं तो इसकी जगह पर आप इसमें करीब 20 से लेकर 30 ग्राम तक का पनीर ज़रूर ऐड करिएगा। थोड़ा सा कड़ी पत्ता और मिर्ची इसमें ऐड किया है। अच्छे से सब फ्राई हो जाए तो फिर आप प्याज डालकर 5 से लेकर 6 मिनट तक आप इसे फ्राई कर लीजिएगा। फिर जितनी भी सब्जियां हैं आप इसमें ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। अगर आप इसमें चाहें तो आप इसमें अभी ग्रीन पीस मिल रहा है चूँकि विंटर का सीज़न है तो आप इसमें ग्रीन पीस भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसमें जो पम्पकिन होती है कद्दू वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, आप ब्रोकोली भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें बीन्स भी ऐड कर सकते हैं। जो भी सब्जी आपको अवेलेबल है और जो सीजनल है आप उसे ईजिली इस रेसिपी में ऐड कर सकते हैं। और अच्छे से मिक्स करके हमें इसे ढक देना है करीब 5 से लेकर 8 मिनट तक। थोड़ी देर में देखेंगे तो सब्जियाँ जो है ये ऑलमोस्ट कुक हो गई हैं। अभी मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ और इसमें अभी मैं थोड़े से मसाले ऐड कर रही हूँ, जैसे कि थोड़ा सा मैंने इसमें कोरिएंडर का पाउडर या धनिया का पाउडर ऐड किया है। मैं बेसिकली उपमा में हल्दी डालना पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि उपमा में हल्दी डालना चाहिए तो आप वो भी डाल के ईजिली ले सकते हैं। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दलिया, ये वॉश करके रखा था मैंने, सो ये अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इसे मैं करीब 5 से लेकर 8 मिनट तक इसे मैं स्लो फ्लेम में पकने दूँगी और इसमें अभी पानी नहीं डालूँगी। अगर आप चाहते हैं कि दलिया जो है ये खुला खुला बने सो उसके लिए आपको करना क्या रहेगा कि दलिया को थोड़ी देर बिना पानी ऐड किए हमें इसे थोड़ा सा पकाना रहता है।
एंड देन इसके बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे। सो पानी मैंने करीब एक कप का पानी ऐड किया है और इसे ढककर करीब मैंने 8 से लेकर 10 मिनट तक कुक होने के लिए रहने दिया है। सो अगर आप पहले ही अगर आप दलिया को थोड़ा सा फ्राई कर देंगे तो देखिएगा कि जो दलिया है ना वो एकदम खुली खुली मतलब अलग अलग होत के आती है। सो काफ़ी अच्छा टेस्टी भी लगता है। और यहाँ पे देखेंगे तो हमारी जो दलिया उपमा है ये टोटली बनकर रेडी है। बहुत ही हेल्दी है, टेस्टी है ये फ्रेंड्स। सो आप इसे ईजिली अपने ब्रेकफास्ट के टाइम पर ऐड कर सकते हैं और ये सिंगल सर्विंग है, यानी ये जो पूरा बना हुआ है ना ये पूरा का पूरा आप अपने वेट लॉस डाइट प्लान में ब्रेकफास्ट के टाइम पे ऐड कर सकते हैं। अगर हमारे पास दलिया नहीं है तो इसकी जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं सूजी का रवा भी आप डाल सकते हैं। इस पूरी रेसिपी में हमें 304 कैलोरीज मिलती हैं, प्रोटीन 10.39 ग्राम मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट 41.24 ग्राम है, फैट 10.10 ग्राम्स है और फाइबर 8.96 ग्राम मिल रहा है। सो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मिड मॉर्निंग में क्या लेना है। चूँकि दलिया उपमा जो है ये थोड़ा हेवी रहता है तो मिड मॉर्निंग के टाइम पे भूख नहीं लगेगी। सो इस मोमेंट पे बेस्ट रहेगा कि एक कप ग्रीन टी ले लें। अब हम बात करते हैं लंच की, तो लंच में हम ले सकते हैं वेजिटेबल पुलाव और साथ में बटर मिल्क। सो चलिए देखते हैं कि वेजिटेबल पुलाव को किस तरीके से बनाना है। इसे बनाने के लिए हमें कुछ सब्जियां चाहिए, तो मैं यहाँ पे कैरेट ले रही हूँ एक मीडियम साइज़ का, 40 ग्राम है इसका वज़न। ये है बीन्स, ये 40 ग्राम का है, करीब 8 मैंने बीन्स को कट किया है। साथ में मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक बड़े साइज़ का प्याज, 70 ग्राम इसका वज़न। और ये एक मीडियम साइज़ का कैप्सिकम लिया है, शिमला मिर्च 50 ग्राम इसका वज़न। और ये टमाटर आप देख रहे हैं तो एक बड़े साइज़ का टमाटर है, 100 ग्राम का है। पनीर मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ 80 ग्राम का, अगर आप 100 ग्राम का डालना चाहे तो भी चलेगा। और ये जो रेसिपी बन रही है ये दो लोगों के लिए बन रही है। सो अगर आप सिंगल अपने लिए बना रहे हैं तो पूरे इंग्रेडिएंट्स को आधा कर लेना है। सारी सब्जियों को मैंने इस तरीके से लॉन्ग स्लाइसेस में कट कर लिया है। यहाँ देखेंगे तो प्रेशर कुकर गर्म हो चुका है और मैं अभी इसमें एक चम्मच का तेल ऐड कर रही हूँ। अगर कोई घी से बनाना चाहता है इस रेसिपी को तो भी घी का भी यूज़ कर सकते हैं। ऊपर से मैं इसमें थोड़ा सा दालचीनी का स्टिक ऐड कर रही हूँ, ये है तेज का पत्ता, ये ऐड करना है, थोड़ी सी काली मिरी अपने टेस्ट के हिसाब से, थोड़ा सा जीरा, जो स्पाइसेस ऐड करने हैं वो डाल सकते हैं, जायफल का फूल भी मिलता है वो चाहे तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बहुत ही हेल्दी है वो। सो ये सब जब अच्छे से फ्राई हो जाएंगे देन अभी हमें इसमें ऐड करना है कटा हुआ प्याज और इसे हमें करीब 2 से लेकर 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है। अभी मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ करीब 30 ग्राम का ग्रीन पीस या फिर हरा मटर, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास तो ज़रूर डालिएगा। और साथ में मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन धनिया पत्ती और मिर्ची का पेस्ट है, ये मैं हमेशा बना के रखती हूँ तो ये मैं इसमें एक बड़ा चम्मच ऐड कर रही हूँ। इसे ऐड करके हमें इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। अभी इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जितनी भी कटी हुई सब्जियां हैं वो सारी की सारी सब्जियां हमें इसमें ऐड करना है। पनीर भी आप इसी टाइम पे ऐड कर लीजिए। और अभी हम ऊपर से कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। सो मेरे पास ये है एवरेस्ट का शाही बिरयानी मसाला जो कि मैं इसमें करीब एक चम्मच का ऐड कर रही हूँ। एक चम्मच मैंने इसमें धनिया का पाउडर ऐड किया है और थोड़ा सा हल्दी, नमक आपको अपने स्वाद के अनुसार ऐड करना है। इसे अच्छे से मिक्स करके करीब 10 मिनट के लिए इसे हमें स्लो टू मीडियम फ्लेम में ढक्कन लगाकर कुक होने के लिए रहने देना है। पूरा कवर मत कर दीजिएगा, सिर्फ ऊपर से हल्का सा ढक्कन लगाइए जिससे कि सब्जियां जो है वो अच्छे से कुक हो जाएं। अब साथ में यहाँ पे मैं ले रही हूँ करीब 60 ग्राम का राइस। सो ये वाइट राइस है और ये दो लोगों की सर्विंग है इसलिए मैंने 60 ग्राम का वाइट राइस लिया है। सिंगल अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो 30 ग्राम का वाइट राइस लेना है। इसे हमें अच्छे से वॉश कर लेना है। और यहाँ देखेंगे तो सब्जियाँ भी जो है ऑलमोस्ट कुक हो गई हैं। सो अभी मैं इसमें ये राइस को ऐड करूँगी, नमक अपने स्वाद के अनुसार ऐड करना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ऊपर से इसमें हमें एक कप का पानी ऐड करना है। अच्छे से मिक्स करके आप इसे प्रेशर कुक करिए, करीब एक सीटी आने तक हमें इसे प्रेशर कुक करना है और इसके बाद 5 मिनट तक के लिए हमें इसे स्लो फ्लेम में कुक होने के लिए रहने देना है। हमारी एक हेल्दी हाई प्रोटीन हाई फाइबर लंच रेसिपी या फिर आप इसे वेजिटेबल पुलाव भी बोल सकते हैं ये रेडी है।
इस वेजिटेबल पुलाव को हम दही के साथ में या फिर बटर मिल्क के साथ में ले सकते हैं। बटर मिल्क बनाने के लिए 60 ग्राम का दही लेना है, उसमें पानी ऐड करके उसका आप बटर मिल्क बना सकते हैं और साथ में एक बड़े साइज का कुकुम्बर भी आप ले सकते हैं। इस पूरे लंच के प्लेट में हमें 380.55 कैलोरीज मिलती हैं, प्रोटीन 17.82 ग्राम्स है, कार्बोहाइड्रेट 46.25 है और फैट 13.14 ग्राम है, फाइबर 8.45 ग्राम्स मिल रहा है। अब बात करते हैं 4:30 बजे के आसपास अगर भूख लगती है तो क्या खाना है। इस टाइम पे 100 ml का मिल्क ले सकते हैं और इसमें होममेड प्रोटीन पाउडर जो है ये करीब एक चम्मच ऐड करके इसे इजीली अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। होममेड प्रोटीन पाउडर फ्रेंड्स बहुत ही हेल्दी है। इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी आप सभी के साथ शेयर की हुई है, इस वीडियो की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। इस ग्लास में जिसमें कि दूध और प्रोटीन पाउडर मिला हुआ है, इसमें हमें 116 कैलोरीज मिलती हैं, प्रोटीन 5.26 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 7.02 ग्राम है और फैट 5.18 ग्राम है। क्योंकि अभी ठंडी का सीज़न चल रहा है तो गरम गरम कुछ पीने की इच्छा होती है, सो इसे अगर आप लेते हैं तो एक तो आपका पेट भी भरा रहेगा, अच्छा प्रोटीन भी मिलेगा आपको और आपको चाय और कॉफ़ी पीने की जो इच्छा होगी वो भी नहीं रहेगी। ऊपर से आप चाहें तो अगर आपके पास केसर अवेलेबल है तो थोड़ा सा वो भी आप ऐड कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं डिनर की, तो डिनर 6 से लेके 7 बजे के बीच में कर लीजिएगा, इससे लेट मत करिए। डिनर में आप ले सकते हैं पालक पनीर की भुर्जी। सो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1.5 छोटे साइज का प्याज, इसका वजन 60 ग्राम है। साथ में मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज का टमाटर लिया है, इसका वजन भी 60 ग्राम है। पालक जो है ये मैं करीब एक बंच के आसपास ले रही हूँ, 150 ग्राम। ये देख रहे हैं तो ये है ग्रीन पीस मटर, ये फ्रोजन ग्रीन पीस है, अगर आपको फ्रेश ग्रीन पीस मिलता है तो वो यूज़ करिएगा। ये मैंने 30 ग्राम लिया है और साथ में यहाँ पे पनीर ले रही हूँ मैं 200 ग्राम का। ये दो लोगों की सर्विंग है, अगर आप सिंगल अपने लिए बना रहे हैं तो आपको सारे इंग्रेडिएंट को आधा कर देना है। इन सारी सब्जियों को अच्छे से वॉश करके हमें इन्हें फाइनली चॉप कर लेना है। पैन यहाँ पे गर्म हो गया है और इसमें मैंने अभी एक चम्मच का तेल ऐड किया है, थोड़ा सा जीरा ऐड करके अभी जो कटा हुआ प्याज है ये हमें इसमें ऐड करके अच्छे से फ्राई करना है। जब प्याज अच्छे से फ्राई हो जाए फिर हमें इसमें मटर ऐड करना है एक चम्मच का, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है, इसे 2 से लेकर 3 मिनट तक फ्राई करना है। इसके बाद हमें इसमें फाइनली चॉप किया हुआ टमाटर ऐड करना है, फाइनली चॉप किया हुआ पालक इसमें ऐड करना है। अभी हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जैसे कि थोड़ा सा जीरा का पाउडर और एक चम्मच का धनिया का पाउडर, थोड़ा सा हल्दी ऐड करना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसमें हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं पनीर। सो पनीर को मैंने इस तरीके से फाइनली ग्रेट कर लिया है, आप चाहें तो इसे मैश करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लीजिए और ऊपर से थोड़ा सा नमक ऐड कर लीजिएगा। अभी हम इसमें ऐड करने वाले हैं कैप्सिकम। सो मैं यहाँ पे 100 ग्राम का कैप्सिकम या फिर शिमला मिर्च ली हूँ, करीब 2 मीडियम साइज़ के शिमला मिर्च, और इसे फाइनली चॉप कर लिया है, ये हमें इसमें ऐड करना है। अच्छे से इन सारे इंग्रेडिएंट को मिक्स करके 5 से लेकर 8 मिनट तक कुक होने के लिए रहने देना है और हमारी एक हेल्दी हाई प्रोटीन जो पालक पनीर भुर्जी है ये बनकर रेडी है। ये 2 लोगों की सर्विंग है और सिंगल सर्विंग में हमें 341 कैलोरीज मिलती हैं, प्रोटीन 22.90 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 21.09 ग्राम है, फैट 18.08 ग्राम और फाइबर 4.60 ग्राम्स मिल रहा है। पूरे दिन भर के इस डाइट प्लान में हमें 1183 कैलोरीज मिल रही हैं, प्रोटीन 58 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 118 ग्राम, फैट 46.7 ग्राम और फाइबर 25 ग्राम्स मिल रहा है। इस पूरे दिन भर के डाइट प्लान में हमें जो जो इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी या जो जो ग्रॉसरी की हमें ज़रूरत पड़ेगी उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। सॉल्ट एंड स्पाइसेस आपको अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करना है। इन सारी रेसिपीज़ का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करने के लिए मैंने डाइट कुंडली ऐप की मदद ली है। डाइट कुंडली ऐप के कैलकुलेट रेसिपी न्यूट्रिशन सेक्शन में जाकर हमें जिस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानना है उसमें
जो जो फूड आइटम का हमने यूज़ किया है और जितनी मात्रा में यूज़ किया है वो हमें डाइट कुंडली ऐप में इंसर्ट करना है और नीचे कैलकुलेट का बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप उसे प्रेस करेंगे आपको उस रेसिपी का पूरा न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन यानी उसमें कितनी मात्रा में एनर्जी है मिल रही है, प्रोटीन्स मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, फैट मिल रहा है, फाइबर मिल रहा है, एसेंशियल विटामिंस एंड मिनरल्स, इन सब की जानकारी काफ़ी आसानी से मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, आप भी अपने घर में हेल्दी रेसिपी बनाइए और उस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप डाइट कुंडली ऐप की मदद ले सकते हैं। डाइट कुंडली ऐप की लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, प्लीज़ चेक। अगर आप इन सारी रेसिपीज़ को पढ़ना चाहते हैं, पूरा न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन आप इसका जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप डाइट कुंडली ऐप के फ्रंट पेज में जाइए। यहाँ पे जो रेसिपी का जो टैब है इसे प्रेस करिए। जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे कई सारे टैब ओपन हो जाएंगे, जैसे कि वेट लॉस रेसिपीज़, PCOD फ्रेंडली रेसिपी, थायरॉयड फ्रेंडली रेसिपीज़। आप यहाँ पे क्लिक करके आप इन सारी रेसिपीज़ को भी पढ़ सकते हैं। और भी मैंने आप सभी के साथ कई सारे रेसिपी शेयर किए हुए हैं, इन्हीं भी अगर आप फॉलो करते हैं तो ये आपके वज़न को तेज़ी से कम करने में मदद करेगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को मेरे ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। सो थैंक यू, फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय, टेक केयर।